बीच रूस ने अपने उन सैनिकों को सम्मानित किया है जो यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये रूस के वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सैनिक हैं जिन्हें रूस ने सम्मानित किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के जरिए ये सम्मानित करने का ये वीडियो शेयर हुआ है। महायुद्ध में रूस के जंगी बेड़े की सबसे घातक मिसाइल कैलिबर की समंदर में तैनाती एक बड़े खतरे का इशारा है। और पश्चिमी मीडिया की खबरों में दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने 24 कर्लब मिसाइलों को काला सागर में तैनात कर दिया है जो पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेन में कहर बरसा देंगी। आज 9 महीने बाद यूक्रेन की जमीन रूस की बारूदी बारिश से बर्बाद हो चुकी है। आसमान से बमों की बारिश करने के बाद रूस ने अब युद्ध क्षेत्र में हो कदम उठाया है, जिसे सुनकर अमेरिका, यूक्रेन समेत नेटो देशों की माथे पर शिकन आ गई है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस ने काला सागर में 24 कैलिबर क्रूज मिसाइल तैनात कर दी हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने उन सभी घातक हथियारों को जंग के मैदान में उतारा है जिनसे वो यूक्रेन को शिकस्त दे सके, फिर चाहे वो मिसाइल हो या फिर ड्रोन या फिर सोवियत काल के हथियार। अपने बारूदी खाने में रखे छोटे से लेकर बड़े हर एक हथियार का दम पुतिन इस युद्ध में दिखा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो रूस के पास काला सागर में युद्ध के मोर्चे पर डटे 18 युद्ध पोत हैं। रूस के पास समंदर में 4 मिसाइल लॉन्चर हैं। बड़े पैमाने पर काला सागर में मिसाइलों की तैनाती यूक्रेन के खिलाफ बड़े खतरे का संदेश दे रही है। कैलिबर क्रूज मिसाइल, यूक्रेन जंग में रूस ने अपनी खतरनाक कैलिबर क्रूज मिसाइल का जमकर इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल ने यूक्रेनी शहरों में जबरदस्त तबाही मचाई है। रूस की ये मिसाइलें काफी शक्तिशाली हैं। इन्हें 3M54 कैलिबर के नाम से भी जाना जाता है। 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। अपनी रेंज में आने वाले हर टारगेट को कैलिबर नेस्त नाबूद कर देती है। इसे आसमान से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी और समुन्दर से भी इसे दागा जा सकता है। यूक्रेन में कैलिबर क्रूज मिसाइल विध्वंस मचा रही है। कैलिबर मिसाइलें रूस के सबसे खतरनाक हथियारों की कैटेगरी में बहुत ऊपर है। टारगेट से टकराते ही ये तबाही मचा देती है। कैलिबर क्रूज मिसाइल 1994 से रूसी सेना में अपनी सेवाएं दे रही है। इस मिसाइल ने सीरियाई गृह युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। ये वही कैलिबर मिसाइल है जिसको लेकर यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी सेना ने कैलिबर मिसाइल के जरिए पश्चिमी यूक्रेन स्थित अमेरिकी हथियारों के गोदाम को नष्ट कर दिया था। इस गोदाम में अमेरिका से मिले हुए M777 और उसके गोला बारूद रखे हुए थे। दावा यह भी था कि इस मिसाइल अटैक में गोदाम के परखच्चे उड़ गए थे। यूक्रेन ने रूस के हमले के डर से इस गोदाम को पोलैंड सीमा के पास बनाया था, लेकिन कैलिबर का कहर उस पर बरसा। जाहिर है ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप से मिलने वाले हथियारों के दम पर पुतिन को बहुत खाब दिए, जिसका बदला लेने के लिए पुतिन ने अपनी युद्ध नीति को बदल दिया। आसमान से समंदर तक बारूद का दम दिखाने के लिए रूस की सेना मोर्चे पर डट कर खड़ी हो गई और यूक्रेन में कहर ढा रही है।